हेलो एवरीवन, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सो दिस इज योर ब्रदर मुर्तजा। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक में, आज के भी आपके बीच में लेकर आया हूँ जो काफी ज्यादा चर्चा में बने हुए रहते हैं और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है, जिसको जानना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके बारे में ज्यादा कोई अवेयर नहीं करता और बहुत सारे लोग तो उसको बिल्कुल अवॉइड ही करते। सो बेसिकली मैं आपको सब एक ही बात बताना चाहूंगा कि आज के वीडियो में ज्यादा लॉन्ग नहीं करूंगा, ठीक है? आज के वीडियो में ज्यादा लॉन्ग नहीं करूंगा, उसको शॉर्ट ही रखूंगा। बस कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो आप लोगों से शेयर करना, मुझे ऐसा लगा बैठे बैठे कि यार मुझे आप लोगों से शेयर करना चाहिए, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं आजकल देख रहा हूँ सारी चीज़ें, तो मुझे लगा कि वो आप सबसे शेयर करना चाहिए। तो सोचा एक वीडियो बनाकर डाल दूँ, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, बहुत शॉर्ट वीडियो है, बट काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए काम और आप लोगों के लिए बिल्कुल लाभदायक होगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। चाहे कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, जिसकी वजह से सडनली उनको क्या होता है कि कुछ ना कुछ बीमारी होती है, ठीक है? सो आप लोग क्या करिए कि आप लोग अपनी हेल्थ का ध्यान जरूर दीजिए। आप बाहर क्या खा रहे हैं, बिकॉज बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि समोसे कचौरी खाते हैं, ठीक है? आप ज़्यादा ऑयली खाते हैं, बाहर का वो जो कढ़ाई में जो एक तेल में 10 बार समोसे तल जाते हैं, ठीक है, तले हुए रहते, आप वो सब खाते हैं, वो सब इंटेक करते अपनी बॉडी में। सो सारी चीज़ आप समझिए कि सिर्फ और सिर्फ आपका जबान का टेस्ट है, सिर्फ और सिर्फ आपकी जबान का टेस्ट है। अदरवाइज इसके अलावा जब वो पेट में जाएगा ना, सो आपको अनहेल्दी और बिल्कुल बीमार ही करेगा। बिकॉज आपको पता है कि जब हम इतना गंदा ऑयली फूड खाते, तो हमारी बॉडी में जाकर गंदा कोलेस्ट्रॉल बनाएगा, जिससे बहुत सारी आगे समस्या होगी। सो क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को जिससे जानने की लायक रहेगी कि नहीं यार, हम हमारा सारी बैड हैबिट्स को छोड़कर एक गुड हैबिट्स को चुनने ज़्यादातर, जैसे कि आपको बिल्कुल बाहर का जंक फूड नहीं खाना, फास्ट फूड नहीं खाना ओकेशनली, या हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार, ठीक है, सब सही रहता। बट बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि डेली करते हैं, डेली कोल्ड ड्रिंक भी पीते हैं, फास्ट फूड भी खाते हैं, जंक फूड भी खाते हैं, जिसकी वजह से उनका फैट परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। सो उससे बीमारियाँ, आपको पता है कि ओबेसिटी वगैरह और बहुत सारी बीमारियाँ बढ़ती है जैसे जैसे आपका फैट इंक्रीज होगा, अगर नहीं भी होता। सो आप इंटरनली आजकल को उतना अवेयर नहीं है कि वो अपनी हेल्थ का ध्यान रखेगा या ब्लड रूटीन चेकअप करवाते रहेगा, तो बीमारियां बढ़ती रहती है और हमें पता नहीं होता कि इंटरनली क्या चल रहा है। तो मैं सभी से सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि यार आप लोग अपनी हेल्थ का ध्यान जरूर दीजिए। मैं यार एज अ फिटनेस कोच, ठीक है, एज एन एथलीट ये सारी बातें कर रहा हूँ, बिकॉज मैं जैसे अगर अपने आप को देखता हूँ, अपने फैमिलीज को देखता हूँ, सो आप भी अपने आप का ध्यान रखिए। बिकॉज जितना आप फिट रहेगी, जितना आप हेल्दी रहेंगे, उतना ज़्यादा आप लंबे समय तक सर्वाइव कर सकेंगे। और कहीं ना कहीं आप लोग अच्छे जिम में जाइए, ठीक है, अगर जिम नहीं भी जाते तो घर पे कुछ ना कुछ ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज करिए जो आपको फिट रखे और हेल्दी रखे। तो ये सारी बातें यार कोई करता नहीं है और किसी को पता भी नहीं है कि यार कितना ध्यान रखना चाहिए। बिकॉज खुदा की दी हुई सबसे बड़ी नेमत है आपका शरीर, खुदा की दी हुई नेमत है सबसे बड़ा आपका शरीर, जिसका ध्यान आपको खुद ही रखना है और कोई दूसरा नहीं रखेगा। सो काफ़ी ज़्यादा सुनने में आती है आज ये हो गया, आज वो हो गया। सो सारी चीज़ें जिसी पर मैंने बैठे बैठे सोचा कि नहीं यार आप लोग सबको बिल्कुल अवेयर करो उस चीज़ के बारे में लेकर, यार आपकी हेल्थ, आपकी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ में आप अच्छा काम करिए, अच्छे फिट रहिए, अच्छे स्वस्थ रहिए, और बाहर का जो जंक फूड्स वो अवॉइड करिए। आप अच्छा घर का स्वस्थ खाइए, स्वस्थ रहिए, अच्छा काम करिए और मस्त रहिए, और फैमिली का ध्यान दीजिए। आप खुद के साथ साथ अपनी फैमिलीज को भी एक मंथ में या 3 महीने में एक रूटीन चेकअप जरूर करवाया करिए, ब्लड टेस्ट जरूर करवाइए, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके करवाइए। सो जब भी आप ये सारी चीज़ें अपने हेल्थ का ध्यान देंगे, सो आप देखिएगा, आप नोटिस करिएगा कि आपका माइंडसेट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आप फिट रहेंगे। सो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा बिल्ड होगा और काफ़ी ज़्यादा आपके खुद के अंदर ही आपको मोटिवेशन फील होगा। तो यार मतलब बहुत सारी बातें हैं, बट यार छोटा वीडियो बनाना था, इसलिए मैं इतनी बातें करूँगा आपसे कि यार सिर्फ और सिर्फ पूरा करके मैं एक चीज़ को डिस्क्राइब करूँ सारी चीज़ों को लेकर, ठीक है? कहानी का, पूरी स्टोरी का मेरा सिर्फ एक ही फंडा था कि आप लोग खुद का ध्यान दीजिए, अपनी हेल्थ का ध्यान दीजिए, जिम जाइए, वर्कआउट करिए, स्वस्थ रहिए। अगर जिम नहीं जा पाते किसी कारणवश, तो घर पे अपने एटलीस्ट 40 मिनट वॉक जरूर करिए, अच्छे फ्रूट्स खाइए, अच्छा हेल्दी रहिए, और घर का खाना खाइए, और पानी ज़्यादा पीजिए।
अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखिए ज्यादा। अगर कुछ भी मेरा वीडियो आप लोगों के थोड़ा भी काम आया होगा तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और ऐसे ही आप लोग अपने चैनल पर प्यार बनाए रखिएगा, मुझे सपोर्ट करिएगा और मेरे लिए भी आप लोग सब दुआ करिएगा। सो टेक केयर एंड बाय बाय। जय हिंद जय भारत।